आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं। पीड़ित परिवार जिसने अपनी बेटी खोई इंसाफ की मांग कर रहा है, और इस परिवार के साथ हम तो खड़े हैं लेकिन पूरा देश भी खड़ा हुआ है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो सवाल उनके मन में है क्या इतने दिन बीत जाने के बाद उसके जवाब इस परिवार को मिले हैं नहीं मिले हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपके साथ हैं, लगातार उन लोगों से भी सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन आपको धन्यवाद जाना ठीक नहीं है, अभिनंदन जाना सकते हैं, और क्या करें। मेरा सबसे पहला सवाल ये, इतने दिन बीत गए, सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, आपको लग रहा है कि इंक्वायरी सीबीआई की सही ट्रैक पर चल रही है, इंसाफ मिलेगा? देरी हो रही है लेकिन मिलेगा? ये तो एक बात ही है, हम लोग तो किसी के ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा, लेकिन सीबीआई को बोलेंगे, वो लोग इतना जो सारे दुनिया में जो उसका जिसका नाम है, इसका नाम का साथ ये काम का थोड़ा जल्दी जल्दी आगे निपटा दे तो हमको थोड़ा सा दुख जो कम होगा, और क्या होगा, तो कुछ नहीं मिलेगा हमको ना। हुआ क्या था सर, अगर आप कुछ हमें बता पाएं कि 8 तारीख को कब आपकी आखिरी बार बात हुई, क्या बात हुई? 8 तारीख को 8:30 बजे और रात 11:15 कर पर लड़की से बात हुआ। उस टाइम में वो खाना वाना मांगे, और चार पांच आदमी जो टीम में रहता है, एक एक टीम होता है, ग्रुप होता है, वो जो नाइट ड्यूटी में रहता है, जो सीनियर रहता है वो जूनियर को खाना वाना खिलाता है। अभी तो लगता है जो लोग इसके साथ थे, एक मेरा लड़की सीनियर था, उसको हर वक्त जो 70-80% डिपार्टमेंट में है, जिस डिपार्टमेंट में उसका जो कंडीशन खराब हो जाता है तो अब दीदी को बुलाता है, दीदी जल्दी आइए, इसके लड़की पेशेंट खराब हो रहा है। लेकिन उस दिन 7 घंटे से किसी को जरूरत नहीं पड़ा, ये तो मेरा सबसे आगे मेरा दिल में आ गया, ये क्या बात है। वो डिपार्टमेंट का जो इसका साथ थे, कोई ना कोई कुछ जानता है, ये लोग की गलत काम किया है कि नहीं है, ये इसके तो अभी तो हमको मैंने मन में ये क्वेश्चन भी आना शुरू कर दिया कि जो लोग साथ थे कहीं ना कहीं वो भी सस्पिशियस हैं, यही कारण है कि डिपार्टमेंट का भी कोई आदमी हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट हम लोग से बात नहीं क्यों कर रहा है। वही मेरा, आप 11:30 जब आपकी बात हुई तब उन्होंने क्या बताया कि वो खाना खा रही हैं अपने उन चार दोस्तों के साथ हैं? हाँ, चार दोस्तों के साथ खाना वाना खाना, वैसे ही चार जने खा रहे, चार आदमी के लिए खाना लाया है, वो मिलके हम खाएंगे। अभी अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाता है, जो होटल में जो खाना मिलता है उसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा ऑनलाइन से खाना मंगा के खाता है। फिर सुबह आपको किसका फोन आया, आपको क्या पता चला? 11:15 हमको फोन आया, और उन्होंने तो ऐसे मूड में बोला है हम लोग जो देखो, हमको लगा कि डिपार्टमेंट में ऐसा बड़ा घटना घट गया, उसका कोई मैंने दिल में कोई दुख नहीं है डिपार्टमेंट का, क्या बोले वो लोग, ऐसे हमसे बात करना शुरू कर दिया, लगता है हम लोग ही कोई गलत काम कर दिया, ऐसे ही मैंने वो कुछ नहीं जानते, आपके लड़की तबीयत खराब है आप जल्दी आ जाइए, ऐसा है ना, एक तो बात बोलने का जो तरीका है ये हमको अच्छा नहीं। 11:15 10:53 किसने कॉल किया था? एक लड़की ने कॉल किया, उसके बाद हम फिर कॉल किया, क्या हुआ मेरे लड़की को, बोले हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम बोल नहीं सकते क्या है। अच्छा, फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठ गया, टाइम में फिर फोन आया, बोला हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, लगता है आपका लड़की सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर, असिस्टेंट सुपरवाइजर ने बोला, असिस्टेंट सुपर ने बोला उसका, उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, आप क्या बोलता है, ना आप लोग जल्दी आ जाइए, बोलकर लाइन कर दिया। फिर उसका बाद जब जा रहा था, 10-15 बाद एक लड़का लोग फोन किया, वो पुलिस का आदमी लगता है, अर्जीकर थाना का उसी हो सकता है, उन्होंने बोला आप लोग आ रहा है, हमें यहाँ आ रहा है, आप जब बोलते हैं जल्दी आ जाइए, गया किस लिए हमको बुला के ले गया, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा था। 12:05-10 पर हम पहुंच गया, हम बोला लड़की कहाँ है, हम देखेंगे क्या हुआ उसका, बोले नहीं टाइम चल रहा है अभी, थोड़ा इधर बैठिए, हमको लेके काफी डिपार्टमेंट के इधर इस घर में, काफी उस घर में, इसको और कोई ले जा रहा था, हम दोनों को एक साथ में नहीं रहने दे रहा था, आपको और आपकी पत्नी को, बीवी को इधर, उसको उधर ले जा रहा है, हमको इधर ले जा रहा है, यही चल रहा था, पानी पीजिए, अब थोड़ा
एसी में बैठिए। तो ये कौन लोग थे जो आपको इस तरीके से कर रहे थे? हमको कोई मालूम नहीं है, वो तो पुलिस का आदमी भी था, पुलिस ने भी ऐसा कर रहा था। उस टाइम में वो तो पुलिस का पाव पड़ना शुरू कर दिया, हमको लड़की को देखने दिया, लड़की को देखने दीजिए, लेकिन वो तुरंत चले थोड़ा बैठिए थोड़ा बैठिए थोड़ा बैठिए, मलम पट्टी करने का मैंने व्यस्त है, पुलिस क्या कर रहा था हमको मालूम नहीं। सेमिनार हॉल में लड़की डॉक्टर जूनियर डॉक्टर जो सब आ गया, आके चिल्ला लुल्ली शुरू कर दिया, हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना होना, ऐसा करना पड़ेगा। वो उस डिपार्टमेंट का लड़का लड़की नहीं है जिसमें आपकी बेटी काम, जस्ट मेडिसिन के नहीं थे वो लोग। और भी जो है, जब मेरा लड़की कलानी में था उस टाइम एक साल डेमोस्ट्रेटरशिप किया था, अच्छा। वही सब लड़का लड़की आके चिल्ला बिल्ली करके ऐसा करना होगा वैसा करना होगा, वो सब जानता है ना। सेमिनार हॉल में आप कितनी देर बाद पहुंचे? 3:30 बजे हमको घुसने दिया अंदर, मतलब 3 घंटे तक आप लोग बाहर इंतजार कर रहा था। उसमें मन में क्या चल रहा था वो हम किसी को बता नहीं सकते, मन में क्या चल रहा था हम दोनों को। अच्छा, आपको पहले बोला गया कि तबीयत खराब है, पहली कॉल पे आ जाइए, फिर बोला गया सुसाइड किया है, 3 घंटे इंतजार कराया गया। तो आप जब पूछ रहे थे इन 3 घंटे में कि हुआ क्या है, तो कोई कुछ नहीं जवाब दे रहा था? नहीं जवाब, कोई किसी से बात करने का जरूरत नहीं समझी हमसे, डिपार्टमेंट का कोई भी, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का कोई भी लड़का लड़की जूनियर डॉक्टर और जो डिपार्टमेंट का आदमी है कोई ने हमसे बात नहीं। आप जब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंचे, वहां पर कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, क्या देखा आपने? 8-10 पुलिस थे और फॉरेंसिक का लोग आदमी था, वो एसीजीएम था, वो वीडियोग्राफी कर रहा था, ऐसे चल रहा था। अगर बता पाए कि किस स्थिति में वहां पर जो आप लोगों ने देखा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको लेकर भी लोग बोल रहे हैं, क्या स्थिति थी उस टाइम में, वो लोग क्या क्या 5-6 घंटा में हमको मालूम नहीं। और लड़की हमको लगता है कि 7-8 घंटा से कोई ने मेरे लड़की को देखा, ये हमको थोड़ा क्वेश्चन है। कोई ना कोई तो किस कुछ जानता ही है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कुछ जानता है।